हाय एवरीवन, नए साल में स्वागत। तो नए साल का पहला वीडियो सिर्फ आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा। जहाँ पे आपको फॉरवर्ड करना है कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक व्यूअर भी हूँ, सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, राइट? सो आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइज। सो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, बैंक निफ्टी का ऑपरेशन डेली चार्ट। तो देखिए, प्राइस एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ऑलवेज कहता हूँ। इंडिकेटर आपने देखा होगा कि हम लास्ट में देखते हैं, ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है व्हाइल डूइंग एनालिसिस, वी ऑलवेज फोकस ऑन द प्राइस एक्शन। सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। अभी आपको कुछ दिखा दोस्तों डेली चार्ट पे, वीडियो पोस्ट करके ज़रूर सोचिएगा, ठीक है? अगर आप सही हो तो कमेंट कीजिएगा, गलत हो तो भी कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें लगेगा कि कोई हमारे साथ है, वैसे तो है ही आप लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली कैश चार्ट पे दिस इज द फर्स्ट रेड बार, सेकंड रेड बार डोजी जैसा है, थर्ड रेड बार ये भी दिस इज आल्सो लाइक डोजी, सब में लोअर साइड हो, यहाँ पे लंबे 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 हैं, यहाँ पे अपर साइड और लोअर साइड हो सेम है, ठीक है? पर यहाँ पे जो फोकस जिस पे हमें नोटिस करना है वो क्या था, फर्स्ट कैंडल के अंदर सेकंड कैंडल, यानी सेकंड डे, सेकंड डे के अंदर थर्ड डे, यानी जो मूवमेंट है बहुत नैरो हो रही है। तो दो दिन से कई ट्रेडर्स कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में मज़ा नहीं आ रहा है, एक्सपायरी में भी कोई मूवमेंट नहीं आई। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दिमाग में आए तो बोर नहीं होना है, ये सोचना है कि बिग मूवमेंट कैन कम एनी टाइम। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इनसाइड बार, इसे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल भी कह सकते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट का एक ही रूल है, लो बिलो लो सेल अबो हाई बाय, न्यूट्रल होके एनालिसिस करना है। अभी ये हाई और ये लो बहुत मायने रखते हैं। दूसरी बात, चलिए और छोटा स्टॉप लॉस करना है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बिग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देन इट कैन बी द बेस्ट ट्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट के अंदर सेकंड, सेकंड डे के अंदर थर्ड डे, हो सकता है थर्ड के अंदर फोर्थ डे भी रह सके, दिस इज द मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन। तो अभी इनसाइड, एज पर द इनसाइड बार, ये लोग के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर बैंक निफ्टी, 31007.15 जरूर ध्यान में रखिएगा कैश मार्केट में, और ऊपर में 31510.25। वो ब्रेक होता है तो हो सकता है ट्रेंड कंटिन्यू रहे, और ये लो ब्रेक हो 31007.15 तो और नीचे जा सकते। अभी रही बात फर्स्ट सेकंड, तो आप देख सकते हो कि ये इनसाइड बार, ये लो और ये हाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट के अंदर सेकंड, सेकंड के अंदर थर्ड, यानी बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस है, बाहर निकल सकता है अपसाइड और डाउनसाइड विदाउट नो, ठीक है? तो ये लो ध्यान में रखिएगा। अभी चलिए डिटेल में। सो दिस इज द एनालिसिस, इनसाइड बार ऑन द टॉप, और हमने कहा था कि ऐसे टर्न ले सकता है, बट इसमें नोटिस करने जैसी बात ये थी कि ये नैरो मूवमेंट हो चुकी है, यानी बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस, ओके? सो द पीस बिफोर द वॉर यहाँ पे आपको दिख रही है। अभी चलते दोस्तों, देख लेते हैं कि बाकी जो पहलू है, इसके लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन आपको क्या सिग्नल देता है देख लेते हैं, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पूरा टाइम है हमारे पास सीखने के लिए। ऐसे टॉप से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है जिससे हम ऐसा पॉइंट फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं कि हमें पता चले कि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्यों स्टॉप हो रही है। इसे मल्टीपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना कह सकते हैं, और अभी फिलहाल रेजिस्टेंस लाइन, इसे हम रेजिस्टेंस लाइन ज़्यादातर लोग कहते हैं, टॉप से टॉप मिलाना है, नाउ दिस वन। यहां पे आप देख सकते हो जिगजैग हो चुकी है लाइन, वैसे लाइन जिगजैग हो चुकी होती है उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, पर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था, एक दिन ब्रांड लाइन के ऊपर क्लोज देना, नेक्स्ट डे के बाद नीचे देना, इसीलिए हम ऑलवेज आपको कहते हैं कि रिएक्शन यहाँ पे जिस भी ट्रेडर ने रिएक्शन का वेट किया होता वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होता है, राइट? तो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस जैसा जिगजैग हुआ है, पर नीचे क्लोज आया है, तो ट्रैप भी वहाँ पे लॉन्ग होने वाला, जो लॉन्ग कर रहे हैं वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं,
पर हमें ये हाई के ऊपर लॉन्ग साइड जा सकते हैं, एजुकेशनल पर्पज है दोस्तों, और लो के नीचे पेपर ट्रेडिंग शॉर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन वाला पूरा किस्सा यहाँ पे है। अभी करते हैं नीचे की ट्रेंड लाइन, तो ये चैनल के आसपास आपको दिखेगा। सो दिस इज द डिटेल एनालिसिस। इतने इन्वॉल्व हो जाओ दोस्तों कि कुछ ना दिखे, मुझे अभी ऐसा फील ही नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं। चलिए, अभी यहाँ आपको दिखेगा कि ब्लॉक हो चुका था और ये दो कैंडल बाहर निकल चुकी है, पर इसको हम कंसीडर अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही कैंडल मानी जाएगी, क्योंकि इसी एक कैंडल के अंदर और दो कैंडल हैं। अभी रेजिस्टेंस कन्फर्म होगा ये लो के नीचे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पर क्या है दोस्तों दिक्कत, एक और बार बताने में, 31007.15 आप ही के लिए वीडियो है। ओके, अगर रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाता है, वो लो ब्रेक हो जाता है, गैप डाउन ब्रेक होगा, तो लेवल वैसे काम का नहीं है, पर ब्रेकआउट और अच्छा माना जा सकता है। फिर देखेंगे अगर कहीं पे और एंट्री रिएक्शन देता है तो, बट फिलहाल के लिए अगर 31007.15 ब्रेक होता है तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए वी नीड टू रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द हाई ऑफ प्रीवियस डे कैंडल, और सेकंड थिंग इज दैट इवन वी कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द हाई ऑफ ग्रीन कैंडल। मान लो ये लो ब्रेक हो जाता है और गिरता रहता है, तो स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए वी कैन वेट फॉर द ग्रीन कैंडल। बट अभी फिलहाल हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रीवियस डे के हाई से भी रिवाइज करते जाना यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी बात ये आती है, देखते हैं क्या होता है कल, तो वॉच कीजिएगा ये लेवल। ओके, सो ट्रेंड लाइन में ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए, अभी कंट्रोल, इसमें एक अच्छी चीज़ मुझे बहुत लगी जो है कंट्रोल जेड से आप वापस सब पूरा डिलीट कर सकते हो। चलिए, अभी इसमें कुछ और ड्रॉ कर सकते हैं, तो पिच फॉक मुझे लग रहा है बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ पिच फॉक ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये ग्रीप आ जाएगी, देखते ही पता चल जाएगा दोस्तों। अभी देखिए, ये ड्रॉ करते हैं तो भी पता चल जाता है कि ऊपर ठीक है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, पिच फॉक के नीचे आ चुका है। ठीक है, तो देखेंगे अभी इसमें क्या होता है आने वाले दिनों में, राइट। और वॉल्यूम प्रोफाइल भी चलिए चेक कर लेते हैं साथ में, आपको कई लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये लो से ये है, तो आपको पता चल जाएगा। और ये कैश, सॉरी, ये दोस्तों कैश में बैंक निफ्टी है तो वो नहीं दिखाएगा, आपको फ्यूचर में एक बार चेक करना पड़ेगा, तो वो चलिए आपका छोड़ता हूँ। फ्यूचर में आप चेक करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कौन से लेवल पे वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, तो वो आपका टारगेट माना जाएगा, वो मैं आपका छोड़ देता हूँ। ठीक है, और वॉल्यूम इसका जो हमने वीडियो बनाया था वो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप वो देख के वापस प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये स्विंग में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम नीचे यहाँ कहीं पे कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा, तो उससे भी वॉच कीजिएगा। फाइन, तो अभी चलते हैं मेरे वापस फॉक्स पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहीं ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर देगी, मुझे तो करती थी। देखिए, MACD में डाइवर्जेंस होना और बहुत लंबा चलना, कई बार 6-6 महीने भी चलता है, साल तक भी चल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे कंफर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। कोई इतना हार्ड एंड कोई सॉलिड प्रूफ क्लूज अभी तक मिल नहीं रहा, बट यहाँ पे ये थोड़ा बहुत अच्छा खासा हमें क्लू मिला है। ठीक है, वो क्लूज क्या है तो देख लेते हैं। वन मिनट फ्रेंड्स, ये क्लोज क्या है और ये क्लोज, यहाँ पे रिएक्शन है कि नहीं देख लेते हैं। मैं आपके सामने लाइव एनालिसिस ही कर रहा हूँ, वैसे वीडियो ऑफलाइन है, बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब कैंडल के अंदर सब है और आप देख सकते हो डाइवर्जेंस यहाँ से कंटिन्यूसली चल रहा है। पर आप देखो दोस्तों, ये डाइवर्जेंस इतनी सॉलिड बीमारी है कि उसको बहुत संभाल के उसको फॉलो करना पड़ता है। ये लो के नीचे एक बार रिस्क ले सकते हैं, वैसे ट्रेंड फुल बुलिश है अभी फिलहाल, राइट, पर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये इनसाइड बार बन चुका है और तीनों कैंडल रेड भी है और ये तो इनडिसिजिव है। इनडिसीजिव होना यानी उसे पता नहीं है कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है, राइट फ्रेंड्स। और बाकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की तोड़ दी दोस्तों, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है, जो मैंने अभी ड्रॉ की थी, राइट, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा।
कैंडल स्टिक कर देता हूँ। यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ये वाली, जो यहाँ पे एक जिगजैग हुई थी, ठीक है। अगर ये हाई तोड़ दिया तो नया अप ट्रेंड जोन में भी जा सकता है। पर एम ए सी डी इशारा कर रही है कि ये लो टूटे तो क्या हो सकता है, ठीक है, वो ज़रूर हम देख ही लेंगे लाइव मार्केट में। ओके, सो दिस इज द स्टोरी बाय एम ए सी डी। चलिए अभी कुछ और देख लेते हैं। बॉलिंगर बैंड में तो कुछ खास नहीं है, ADX एक बार चेक करना चाहिए हमें, क्योंकि वो हमें बता देता है बड़ी मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी। देखिए ADX बहुत ही ऐसे जोन में है कि मूवमेंट आएगी तो बड़ी ही मूवमेंट आएगी, तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि ADX वाइट लाइन प्लस डी और माइनस डी के ऊपर है। ADX ऐसा इशारा कर रहा है कि ये हाई 315.1025 ब्रेक होगा, तो प्लस डी जो है वो ADX वाइट लाइन को काट देगी ऊपर की तरफ, तो हो सकता है नया बहुत बड़ा ग्रीन बार बन जाए, राइट। बट अगर ये लो ब्रेक होता है तो हो सकते हैं रेड लाइन और ग्रीन लाइन का अगर क्रॉस ओवर इंटरसेक्ट हो जाता है तो बड़ा रेड बार भी बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि हम ये सिंपल लो 3100.15 और 315.1025 को कंसिडर करें, और अभी कोई फॉल आने के बाद रिएक्शन आ जाए तो और मज़ा आएगा, तो फॉल और कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो अगर कहीं पे रिएक्शन देता है तो देखेंगे, राइट। पर अभी फिलहाल ये है और ये लो ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज अबाउट द ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, राइट फ्रेंड्स। और दूसरी बात मैं बता दूँ, जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये बॉटम से ये बॉटम पे ड्रॉ की थी, यहाँ अगर यहाँ से गिरता है सपोज, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले ही, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस कोई भी लेयर पर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई चीज़ टूटती और यहाँ तक आएगी तो फिर ऐसे प्राइस हो जाएंगे मानो हम निकल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्टॉक स्पेसिफिक है उसी पे फोकस कीजिएगा। तो कल के लिए दोनों हाई लो ये कैंडल का है, तारीख बता देता हूँ 30 December 2020, राइट। तो दोस्तों आने वाले साल और 2020 भी अच्छा ही था दोस्तों, कोई बुरा नहीं होता है, 21 भी अच्छा है, और हर साल अच्छे ही रहते हैं, वो हम पे डिपेंड है कि हम कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।